अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में आए चुनावी नतीजों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तीसरी बार कब्जा किया है। यहां एबीवीपी ने जीत हासिल कर हैट्रिक बनाई है। दो साल बाद हुए चुनाव में महिपाल गुदारा ने जीत हासिल की। महिपाल ने एनएसयूआई के बस्ती राम रायको को 248 मतों से हराया। बता दें कि एबीवीपी के प्रत्याशी महिपाल गुदारा को 512 वोट मिले जबकि बस्ती राम को 264 मिले। यूनिवर्सिटी में पूरा पैनल एबीवीपी का जीता है। इसमें महिपाल गुदारा अध्यक्ष, मुकेश मुंदलिया उपाध्यक्ष, अंकित शर्मा महासचिव, संस्कृति दाडीच संयुक्त सचिव पद पर निर्वाचित हुई है। जीत के बाद एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति ने सभी को शपथ दिलाई, माला पहनाई और मिठाई खिलाकर जीत की बधाइयां दी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद विजेता उम्मीदवारों को जीप में बैठाकर उनके घर तक ले जाया गया। बता दें कि इससे पहले हुए छात्र संघ चुनाव में 2018 में एबीवीपी के लोकेश गोदारा और 2019 में रामेश्वर छाबा ने जीत हासिल की थी। इसी प्रकार एबीवीपी को फिर से जीत मिली है। आगे से पहले मैं सबसे पहले एनडीएस के सभी मेरे प्यारे भाई बहनों और मित्रों को निवेदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, उनका हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इन्होंने मुझे समर्थन दिया है और ये पहली बार एमडीएस के इतिहास में अमूल्य जीत हुई है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एमडीएस के छात्र छात्राओं और भाई बहनों को धन्यवाद। फिर मैं बताता हूं कि यहां पे मुद्दों को लेकर मैं राजनीति में जो मुद्दों को लेकर मैं प्रत्याशी बनाई है, मेरे साथ काफ़ी दिक्कत भी आई थी चुनाव के समय, लेकिन मैं मुद्दों को पीछे नहीं हटा। मुद्दे मेरे थे साफ सफाई, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, लैब टेक्नीशियन और स्पोर्ट ग्राउंड, ये मेरा सबसे बड़े मुद्दे थे। चार पांच मुद्दे को लेकर मैं राजनीति में आया था। यहाँ पे अध्यक्ष पद प्रत्याशी बना, उससे पहले मैंने जो काम किया वो मेरे धरातल पे काम था, उसी से मेरी जीत है और आगे मैं 100% स्टूडेंट को हेल्प और सुधार के लिए। अजमेर में छात्र संघ चुनाव की काउंटिंग के दौरान एनएसयूआई और एबीवीपी के समर्थक आमने सामने हुए हैं। ये घटना संभाग के सबसे बड़े सम्राट पृथ्वीराज राजकीय महाविद्यालय के बाहर की बताई जा रही है। इसके बाद पुलिस ने अतिरिक्त जाप्ता लगाया और झगड़ा कर रहे छात्रों को खदेड़ दिया। दरअसल महाविद्यालय में मतगणना के समय ये छात्र बाहर जुटे रहे। इस दौरान एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और इस दौरान झगड़ा कर रहे एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर ईंट उठाकर मारने लगे, जिससे कार्यकर्ताओं को चोट भी आई। मामला बढ़ता देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और कॉलेज के बाहर जमा एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा कर मामले को शांत कराया।